हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी क्लास सेवन्थ जियोग्राफी फोर्थ लेसन वायु पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वायुमंडल में फैल कर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोक कर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में पृथ्वी इतनी ठंडी होगी कि इस पर रहना असंभव होता है। वायु प्रदूषण से जब इसका स्तर बढ़ता है तो इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। इसे भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इससे ध्रुवीय क्षेत्रों की बर्फ पिघलती है व तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घावधि में इससे जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, आर्गन 0.93%, अन्य सभी 0.04%। आर्डर आता है तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बाद आर्गन आता है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्सीजन आर्गन कार्बन डाइऑक्साइड उसके बाद अन्य गैसें, सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन। पौधे सीधे वायु से नाइट्रोजन नहीं ले पाते। मृदा तथा कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जीवाणु वायु से नाइट्रोजन लेकर इसका स्वरूप बदल देते हैं, जिससे पौधे इनका प्रयोग कर सकें। हरे पादप प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। वायुमंडल की संरचना, हमारा वायुमंडल 5 परतों में विभाजित है, जो पृथ्वी की सतह से आरंभ होती है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, वायुमंडल व बहिर्मंडल। इस फिगर से देखते हैं, क्षोभ मंडल 10 किलोमीटर तक, समताप मंडल या क्षोभ सीमा ओजोन, इसमें हवाई जहाज चलते हैं, 50 किलोमीटर तक, 10 से 50 किलोमीटर, 50 से 80, मध्य मंडल मध्य सीमा, वायुमंडल 100, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल, इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है, इसमें मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि मौसम की सभी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल क्षोभ मंडल के ऊपर स्थित या लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। यह परत मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। यहाँ की परिस्थितियाँ हवाई जहाज के उड़ने के लिए आदर्श होती हैं। इसमें ओजोन गैस की परत होती है। मध्य मंडल या वायुमंडल की तीसरी परत है, 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैली है। अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्कापिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। वायुमंडल, इसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है। आयन मंडल इस परत का एक भाग है, 80 से 400 किलोमीटर तक फैला है। रेडियो संचार के लिए इस परत का उपयोग होता है। वास्तव में पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती है। बहिर्मंडल, यह सबसे ऊपरी परत वायु की पतली परत होती है। हल्की गैसें जैसे हीलियम और हाइड्रोजन यहीं से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। मौसम और जलवायु, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे व दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है, किंतु दीर्घकाल में किसी स्थान का औसत मौसम इस स्थान की जलवायु बताता है। तापमान, वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिमाण को तापमान कहते हैं। आतपन, सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है, आतपन कहलाती है। यह तापमान के वितरण को प्रभावित करता है। आतपन सूर्यताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। पृथ्वी सूर्य की ऊर्जा के 20 करोड़ भाग का केवल एक भाग 2 अरबवां ही प्राप्त करती है। तापमान मापने की मानक इकाई डिग्री सेल्सियस का आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है। उदाहरण के लिए पश्चिम से आने वाली पवन को पश्चिमी पछुआ पवन कहते हैं। वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार के द्वारा लगाया गया दाब वायु दाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है। ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। वायु दाब का क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्रों में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है या निम्न दाब क्षेत्र बनता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम के साथ जुड़ा होता है। कम तापमान वाले क्षेत्रों की वायु ठंडी होती है, इसके फलस्वरूप यह भारी होती है। भारी वायु निमज्जित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती है। उच्च दाब के कारण
स्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु हमेशा उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। पवन उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहते हैं। पवन को मुख्यतः तीन प्रकारों में बांटा जा सकता है, अस्थायी पवन, मौसमी पवन, स्थानीय पवन। अस्थायी पवन व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवन अस्थायी पवन हैं। दूसरा मौसमी पवन, पवन विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती है, उदाहरण भारत में मानसूनी पवन। स्थानीय पवन, पवन किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती, उदाहरण स्थल एवं समुद्री समीर, लू। आर्द्रता, वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। चक्रवर्ती वर्षा, पर्वतीय वर्षा, संवहनी वर्षा, ये तीन प्रकार की वर्षा होती है। वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है, इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है, इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाती है। जब जलवाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जलवाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदें बनाते हैं। बादल इन्हीं जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर न सकें, तब वे वर्षण के रूप में नीचे आ जाती हैं। पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षण वर्षा कहलाता है। वर्षण के दूसरे रूप हिम, सहिम, वृष्ट तथा ओला हैं। थैंक यू।